हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पेपर रहेगा हमारा 13 जून 2023 शिफ्ट सेकंड। पहले जो हमने किया था 3 पार्ट के अंदर वो की थी हमने शिफ्ट फर्स्ट की थी, और आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे शिफ्ट सेकंड के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। सो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक नरेटिव रिलेटेड द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टू द साइन ऑफ देयर इकोनॉमी, यानी कि किससे रिलेटेड हो गया ये आपका। फ्लिप कर्व आपको दिया गया, बट फ्लिप कर्व का तो आपको पता है कि किससे रिलेटेड होता है। ये होता है आपका इन्फ्लेशन, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हैव इनवर्स रिलेशन। ओके और जो फिशर इफेक्ट है वो क्या बताता है आपको, वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। उसके बाद ग्रेविटी मॉडल आ जाता है, और उसके बाद आता है आपका कुजनेट्स कर्व आ जाता है। कुजनेट्स जो कर्व है वो है आपका, ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स एंड इनकम। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड आपका ग्रेविटी मॉडल। ओके तो यहाँ से क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेविटी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ब्रीविंग फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडेंजरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन डेवलप्ड इकोनॉमी इन द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है, एक डेवलप इकोनॉमी के लिए, तो उसके अंदर कारण क्या है। ओके तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फिस्कल इनडिसिप्लिन, राइजिंग द प्राइस लेवल, ओवर लिवरेज, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, द एचडीआई, यूएनडीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए अगर किसी को नहीं पता है तो। यहाँ पे आएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके और एचडीआई का फुल फॉर्म होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स। तो जो भी पब्लिश किया जाता है डाटा यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई का समरी फॉर्म के अंदर, इट मेजर एवरेज अचीवमेंट ऑफ द कंट्री इन थ्री बेसिक डायमेंशन। थ्री कौन से बेसिक डायमेंशन, थ्री कौन से बेसिक डायमेंशन को हम इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम एंड ऑक्यूपेशन, एजुकेशन ऑक्यूपेशन, हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटी के फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू मेजर ग्लोबलाइजेशन। क्या मेजर करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को मेजर करते हैं। इट इज बेस्ड इन 12 वेरिएबल ग्रुप इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बास्केट। तो आपको वो 4 बास्केट बतानी है, आपको कौन कौन सी होगी उसके अंदर से। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर टू, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ये 4 बास्केट आएगी, ये 4 बास्केट आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन ट्रांजेक्शन इज नॉट अ नोन कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या दे दिया गया आपको, नॉट अ नोन कैश दे दिया गया, तो नोट से नोट कट हो गया, तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन बच गई आपकी, कैसे रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन बतानी है इन सभी जो ऑप्शन है उनको पढ़ के। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन क्या दिया गया है, द एक्वाइजेशन ऑफ एसेट्स बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लाइबिलिटी। ठीक
ठीक है, तो ये भी कैश रिलेटेड नहीं है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी ये भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको जो डीवी जो इंटरेस्ट है वो रिसीव हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू, तो यहाँ पर आपको क्या रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं एक बार, एक्वाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज बाय मीन ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिचुएशन वेयर द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ओन शेयर इन ईच अदर इज नोन एज पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, क्रॉस होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्रॉस होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपका सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपका ड्रॉप क्वेश्चन है। ओके तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर स्टडिंग द रिजल्ट शो बाय अ बिजनेस ईच ऑफ द सेगमेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की लाइफ है वो डिवाइड कर दी गई है एप्रोप्रिएट सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर कौन सा कंसेप्ट इंक्लूड होगा या कौन से कंसेप्ट के अंदर ये बात बताई गई है, पीरियोडिक मैचिंग कॉस्ट एंड रिवेन्यू कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है वो आपका कहाँ तक रहता है, वो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड होगा 31 मार्च। ओके तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं हम अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन एन इंडस्ट्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर से जो ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करता है इंडस्ट्री की ऑब्जेक्टिविटी को। नंबर 1 होमोजेनेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूज एंड कंजप्शन पैटर्न, कन्वेंशन एंड मार्केट प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी को जो डिफाइन कर रहा है एक इंडस्ट्री की, तो वो कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी ये क्वालिटेटिव डाटा को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी कि आप सब्जेक्टिव बेस बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वन मिनट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए लिखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स, अनदर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है आपको, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि हम पढ़ रही हैं यहाँ पे कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आर ऑफन बीन अलो एंड जस्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि कौन सी जो डंपिंग प्रैक्टिसेस है वो यूज की जाती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 1 प्रसिस्टेंट डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग, स्पॉटिंग डंपिंग एंड रिवर्स डंपिंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रीडेटरी डंपिंग। जो आपकी प्रीडेटरी जो डंपिंग होती है, जो आपकी प्रीडेटरी डंपिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, देखिए लिख लीजिए आप, गवर्नमेंट में
इम्पोज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, सरचार्ज, टैरिफ और कोटास टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। वो होता है आपका प्रीडेटरी डंपिंग। और फिर अगर हम बात करते हैं स्पोरेडिंग डंपिंग की, अगर बात करेंगे तो ये होती है आपकी ओकेजनल होती है। रिवर्स डंपिंग के अंदर क्या होगा आपका, ये आपका कोई स्टैंडर्ड कंसेप्ट नहीं है ट्रेड इकोनॉमी के अंदर, लेस कॉमन टर्म है ये आपकी। और फर्स्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर परसिस्टेंट डंपिंग, तो ये भी आपका कोई स्टैंडर्ड कंसेप्ट नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू कॉस्ट, व्हेन इट पे फॉर द फर्म टू एक्सपेंड द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट। तो यहाँ पर किस रिलेशनशिप के बेस के ऊपर आपको बताया गया है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू कॉस्ट, कॉस्ट कर्व के बका जो रिलेशनशिप है उसके बेस पर क्या पूछा गया है। व्हेन व्हेन इट पे फॉर द फर्म टू एक्सपेंड द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट, यानी कि कैसे वो एक्सपेंड कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर इनपुट को यूज करके, और कब करेंगे। तो वो करेंगे जब आपका जो मार्केट रिवेन्यू प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट आपका ज्यादा होगा मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउ मेनी फर्म टू ऑपरेट इफिशियंटली इन द मार्केट, विच मार्केट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ बेटर यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्स, यानी कि इनके अंदर से हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ऐसा कंपटीशन है जहां पर फर्म जो है वो ऑपरेट करती है, इफेक्टिवली ऑपरेट करती है मार्केट के अंदर, एंड सभी जो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूज होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मोनोपोली के अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर, या ओलिगोपोली के अंदर। तो सबसे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, बेटर यूज होता है सोसाइटी के लिए भी, तो वो होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। कि जो परफेक्ट जो कंपटीशन है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो रिप्रेजेंट करता है बेटर यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपनी स्टॉक सेल 4 रुपीज 63, द कंपनी पे एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर एंड हैज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स डिविडेंड बाय अ कंटेक्स 5% एनुअली फॉर दिस कंपनी, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है, और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है आपका करंट का डिविडेंड आ जाएगा मार्केट प्राइस प्लस में ग्रोथ रेट। हमारा जो डिविडेंड रहेगा वो क्या रहेगा, 3 पर शेयर 3 आएगा यहाँ पे, 63 प्लस में 0.05। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 10%। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए, इसके थ्रू आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशनल टेक्निक, कौन सी ऑपरेशनल टेक्निक है हेजिंग की ट्रांजेक्शन एक्सपोजर के अंदर। ठीक है, हमें बताना है ये हेजिंग थ्रू द मनी मार्केट, हेजिंग थ्रू द फॉरवर्ड, हेजिंग थ्रू स्वैप, हेजिंग थ्रू लेंडिंग एंड लेगिंग। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ट्रांजेक्शन एक्सपोजर के अंदर पूछा गया है यहाँ पे। तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर के अंदर बनेगा आपका लेंडिंग और लेगिंग। लेंडिंग का मतलब होता है जो ड्यू डेट होती है उससे पहले ही आप क्या कर लेते हो, जो ड्यू डेट होती है उसे पहले ही आप पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पेइंग इन एडवांस, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो लेगिंग का मतलब होता है पेइंग लेटर, एंड सम टाइम आफ्टर ड्यू डेट। तो वो क्या होगा आपका, लेगिंग होगा वो आपका। तो
तो यहाँ पर बताया गया है कि जब आप हेजिंग करते हो, इनका जो डिफरेंस होता है, इनके थ्रू जब आप हेजिंग करते हो तो वो होती है आपके ऑपरेशनल टेक्निक होती है हेजिंग की, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, बाकी इसके अंदर आपको फॉरवर्ड का बताया गया है, आपको स्वैप का बताया गया, तो ये तो आपको पता ही होगा, जो फॉरवर्ड होता है वो भी रिस्क सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यूज्ड बाय एमएनसी टू इवेल्युएट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल होता है वो एमएनसी के द्वारा यूज किया जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इवेल्युएट करने के लिए, और वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? वो होगा आपका वैल्यू एडिटिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है। अब वैल्यू एडिटिव जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। नेट प्रेजेंट वैल्यू स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द टोटल एनपीवी ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल स्मॉलर एनपीवी प्रोजेक्ट, यानी कि जो एनपीवी है वो क्या बताता है आपको, वैल्यू ऑफ टोटल एनपीवी बिगर प्रोजेक्ट, जो बिगर प्रोजेक्ट है वो इक्वल होता है अगर आप सभी जो स्मॉलर प्रोजेक्ट है उसको एड ऑन कर देते हो तो उसके, तो वो होता है आपका वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी, डिविडेंड की जो इररिलेवेंट थ्योरी होती है वो कौन सी होती है आपकी, एमएम अप्रोच, यानी कि मिलर एंड मोदी गिलानी अप्रोच। डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताना है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का और डिविडेंड पॉलिसी का, तो कौन सा रहेगा? देखिए, सिंस डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, इन्होंने बोला कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो इररिलेवेंट है, उन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। द लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट डज नॉट फ्लक्चुएट एंड मैटर ऑन डिविडेंड डिसीजन, वंस डिविडेंड पॉलिसी सेट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रेजिडुअल, द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज सेट अहेड ऑफ टाइम एंड नॉट अल्टर बाय चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। तो ये जो रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा, जो ये ऑप्शन रहेगा, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है आपकी वो पहले से ही डिसाइडेड कर दी जाती है, और जो डिविडेंड पॉलिसी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कौन सा आपका टाइप का रहेगा जो कि यूजफुल रहता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के लिए? व्हेन इंडिविजुअल विद डिजायर कैरेक्टरिस्टिक एक्सपीरियंस और एटीट्यूड आर डिफरेंट टू आइडेंटिटी और रीच, यानी कि अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो करेक्टरिस्टिक के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस एटीट्यूड के बेस पर कोई भी सैम्पलिंग को कलेक्ट कर रहा है, और जिसके और जिस जिस तक पहुंचना या फिर आइडेंटिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो एट दैट टाइम आप कौन सी जो प्रोबेबिलिटी है वो यूज करते हो? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको पूछा गया है। यहाँ पे प्रोपोजिव सैम्पलिंग दिया गया है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग दिया गया है, स्नोबॉल सैम्पलिंग दिया गया है, एंड कोटा सैम्पलिंग दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग रहेगा। देखिए, लिख लीजिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में लिखवा देती हूँ आपको। इट इज यूजफुल व्हेन द टारगेट पॉपुलेशन इज स्मॉल और हिडन सच एज
केस ऑफ रेयर डिजीज सेंसिटिव केसेस या इश्यूज आप लगा सकते हैं, वहां पर स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैज नो कोरस्पोंडिंग पैरामेट्रिक, यानी कि कौन सा इसके अंदर से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसका कोई भी पैरामेट्रिक कोरस्पोंडिंग नहीं है। तो जो आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, ये वैसे सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक ही है, और जो आपका जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है इसका जो कोरस्पोंडिंग पैरामीटर टेस्ट होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, और जो क्रिस्ले आपका वेलिनियर टेस्ट है ये भी आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये इसका जो होएगा कोरिस्पोंडिंग टेस्ट वो होता है आपका अनोवा मैन विटने टेस्ट, जो रहेगा जो मैन विटने टेस्ट रहेगा उसका जो रहेगा वो रहेगा आपका टी टेस्ट, टी टेस्ट कोरिस्पोंडिंग रहेगा, और जो आपका वर्ल्ड ये जो नेक्स्ट दिया हुआ आपको वर्ल्ड वोल्फिटिस वन सैंपल रन टेस्ट, इसका आपका कोई भी पैरामेट्रिक कोरिस्पोंडिंग नहीं होता, तो ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन फाइव, यहाँ पे मीन फाइव दिया गया है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में मीन, यानी कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में मीन, यहाँ पे मीन फाइव दिया गया है, और जो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर मीन का क्या होता है स्क्वेयर रूट होता है, इसीलिए हम फाइव का क्या कर देंगे स्क्वेयर रूट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2 आ जाएगी, और अगर हम सॉल्व करते हैं अगर हम लिखते हैं 2.2 डिवाइड बाय में 5 तो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो है वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 244.7%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि अनोवा, अनोवा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, इट इज अ परफेक्ट जर्नलाइजेशन ऑफ टी टेस्ट फॉर पीरियड ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये परफेक्ट जर्नलाइजेशन है टी टेस्ट की फॉर पीरियड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है जर्नलाइजेशन टी टेस्ट का है बट स्पेसिफिकली पीयर टी टेस्ट का नहीं है, यहाँ पे पीयर टी टेस्ट दिया गया है, रिक्वायर दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप बी आइडेंटिकल, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आइडेंटिकल होने चाहिए बट ऐसा जरूरी नहीं है, एंड अनोवा हैज लेस पावर व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ईच ग्रुप इज नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पर जो पावर रहेगी वो क्या रहती है लेस रहेगी अनोवा की अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हर एक ग्रुप के आइडेंटिकल नहीं है, तो उस केस के अंदर इज अनोवा इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्लाइट डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी, यानी कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, जबकि एक्सट्रीमली सेंसिटिव नहीं होता है, नोट रखें कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्लाइट यानी कि थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल से चेंज करते हैं तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, अनोवा की जो है वो पावर लेस होती है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईच ग्रुप के आइडेंटिकल नहीं होते हैं एट दैट केस के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एंड माउंट रिकॉग्नाइज फोर लीडरशिप स्टाइल, ब्लैंक और माउंट ने फोर रिकॉग्नाइज जो लीडरशिप स्टाइल है वो दिए गए हैं, उसके अंदर से आपको ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में पता करना है, एंड ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर इज हु, कौन होगा आपका ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम थोड़ा बना के दे देती हूँ क्योंकि तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी रहता है, इस साइड लिखते हैं हम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन
और एक साइड हम लिखेंगे कंसर्न फॉर पीपल। यहाँ पर आता है 99 आएगा, 9119 और 11, जो ये डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट। ये आपका डिनोट करेगा अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट ई मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपका कंट्रेरी, क्लब मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है आपका, ये जाएगा आपका लो टू, वन मिनट, यहाँ पे जाएगा ये लो टू हाई, यहाँ से लो टू हाई, इस तरीके से बनेगा। अगर दोनों लो है, यानी कि प्रोडक्शन कंसर्न भी कम है और पीपल कंसर्न भी कम है, तो इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कंसर्न ज्यादा है बट पीपल कंसर्न कम है, तो अथॉरिटेटिव आ जाएगा। अथॉरिटेटिव के अंदर क्या होता है कि आप प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये आ जाता है अथॉरिटेटिव। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, देख लीजिए कौन सा आपका करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3, आर कंसर्न ओनली विद डेवलपिंग अ इफिशिएंट ऑपरेशन, यानी कि इफिशिएंट ऑपरेशन के ऊपर ज्यादा कंसर्न किया जाता है, लिटल और नो कंसर्न फॉर अ पीपल। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। टेबल ये लर्न कर लेना, उसके थ्रू आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, प्रिडिक्ट एफ डब्ल्यू टेलर इज एक्नॉलेज एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन होता है? एफ डब्ल्यू टेलर है। उसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से ऑप्शन के अंदर रहा है मैनेजमेंट के अंदर? थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, ही कंसीडर एक्सीलेंस, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड टू इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, हाउ टू राइज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की बात आ गई ना, तो जो एफ डब्ल्यू टेलर है उसने फोकस किया कि प्रोडक्टिविटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इफिशेंसी को इंक्रीज करके प्रोडक्शन की, एंड इंक्रीज पे फॉर अ वर्कर, वर्कर को की जो पे है वो इंक्रीज करके हम कैसे इफिशेंसी को, वर्कर की इफिशेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एफ डब्ल्यू टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आपसे पूछी गई है। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो कि फेमस थ्योरी है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये जो थ्योरी है ये तो आप बिल्कुल रट के जानी है आपको। आपको पता होनी चाहिए एक एक नीड कहाँ पर आएगी। कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं और कई बार ये घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि किस तरीके से, बट आपको अगर नीड आपको लर्न है, यानी कि लोवेस्ट नीड कौन सी है, हाईएस्ट नीड कौन सी है, तो वहां से आपको फिर इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया गया असेंडिंग फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट बताना है, लोवेस्ट कौन सी होगी सबसे पहले? फिजियोलॉजिकल होगी, दो के अंदर दिया गया है, सेकंड भी और फोर्थ ऑप्शन के अंदर। फिर आपको दिया गया सेफ्टी नीड, एक्सेप्टेंस नीड, तो सेफ्टी नीड हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी, फिर देखना नेक्स्ट रहेगी, नेक्स्ट फिर दी गई है आपको एक्सेप्टेंस नीड दी गई है, उसके बाद दी गई है आपको सेफ्टी नीड दी गई है, एक्सेप्टेंस नीड और यहाँ पर आपको सेफ्टी नीड दी गई है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नीड आएगी, द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड बाद में दे दी, सबसे लास्ट में होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये तो कन्फर्म है। तो वैसे भी ये सेकेंड जो ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल यहाँ पर आ गई और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट में आ गई, तो भी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द रियलाइजेशन टू डायमेंशन स्ट्रक्चर, दो डायमेंशन स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। वो कौन से आपके दो डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मिलके आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनता है? फंक्शनल एंड डिविजनल, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट, फंक्शनल एंड लाइन, डिविजनल एंड लाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो अगर ये दोनों मिलते हैं, दोनों मिलके ही बनता है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है इंडोमेंट पॉलिसी कौन सी होती है, इंडोमेंट पॉलिसी कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि होती क्या पॉलिसी, फिर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाए। अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड अ डेथ
बेनिफिट इफ द इंश्योर्ड पास्ट अवे और इफ स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ पॉलिसी। लिख लीजिए इस आप के साथ एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, कॉमा लगा के लिख लीजिए, पे आउट आ लमसम नोन एज अ इंडोमेंट पॉलिसी। यानी कि इंडोमेंट पॉलिसी किसे बोले, एक टाइप का आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि आपको आपको जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा अगर मान लीजिए जो इंश्योर्ड पर्सन है या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसकी डेथ नहीं होती है तो भी पॉलिसी के एंड में लमसम अमाउंट में पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, द इश्योर हैज एडवांटेज ऑफ रिसीव मनी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द पॉलिसी विद स्पेसिफिक सम ऑफ मनी एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। ऐसा तो नहीं है, इंटरवल की कोई बात हमने नहीं की। एट द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी द इंश्योर रिसीव द सम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे ही पॉलिसी एक्सपायर होती है तो जो इंश्योर्ड होता है उसको सम ऑफ मनी मिलती है। तो ऐसे ही हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू हमें करेक्ट लग रहा है। फिर भी हम थ्री और फोर्थ ऑप्शन को रीड आउट कर लेते हैं। यानी कि कवर करेगा ये इंश्योर्ड की होल लाइफ को, नॉमिनी रिसीव द बोनस, बोनस की ऐसी कोई बात नहीं की गई, प्रीमियम कॉस्ट इज वेरी हाई ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडी इज नॉट ऑन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी सब्सिडी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ओन नहीं की गई है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर टू, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर यहाँ पर एक बात और मैं बता देती हूँ आपको, सब्सिडी कौन सी है आरबीआई की, नंबर वन लिखिए DICGC, नेक्स्ट है आपकी NHB एंड नेक्स्ट है आपकी BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू एज। यानी कि को एग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन होना फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरीके से डेफिनेशन ही आपको दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल टूरिज्म बोलेंगे। और यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर टू है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज द इकोनॉमी वीकेंड वन वुड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन डैश फंड टू इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन डैश फंड टू डिक्रीज। यानी कि एक जो इकोनॉमी है वो वीक हो रही है तो वो किस कारण हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इक्विटी मनी मार्केट म्यूचुअल एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर करेक्ट हमें लग रहा है मनी मनी मार्केट म्यूचुअल म्यूचुअल फंड के अंदर एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड इज डिक्रीज। जहां पर हम इक्विटी में कर रहे हैं तो वहां पर हमें डिक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वन ऑफ द की अजम्पशन ऑफ बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज, जो हम पढ़ के आते हैं बीसीसी मैट्रिक्स जो मार्केटिंग के अंदर पढ़ के आते हैं, उसकी की अजम्पशन क्या बताई गई है, कैश फ्लो कैन बी इक्विटी विद प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कैश फ्लो एज प्रॉफिट आर रिलेटेड टू द मार्केट शेयर, मार्केट मार्केट शेयर एक्ट अ प्रॉक्सी टू कंपिटिटिव स्ट्रेंथ, मार्केट ग्रोथ रेट कैन नॉट बी यूज एज अ प्रॉक्सी टू मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो यहाँ पे हमें की अजम्पशन बताना है। सबसे पहले तो आपको जो वो मैट्रिक्स है, सॉरी जो आपको टेबल है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि इस तरीके से टेबल बनाई जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉग कैश का वो आ जाता है, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, एक साइड में आपका मार्केट शेयर आ जाता है और एक साइड में क्या आ जाएगा आपकी मार्केट ग्रोथ हो जाएगी, लो टू हाई लो टू हाई।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है कि मार्केट शेयर का आपका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट है अगर, तो क्या होगा आपका कैश फ्लो एज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट होगा मार्केट शेयर से रिलेटेड। ये आपकी जो अजम्पशन लग रही है, ये लग रही है आपकी कैश काउ में। कैश काउ में क्या होता है कि मार्केट शेयर ज्यादा होता है और मार्केट ग्रोथ कम होती है। शेयर ज्यादा होने के कारण हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट हमें मिलता है शेयर के रिलेटेड वो हम गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अजम्पशन आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट परचेज कंज्यूमर इज इनवेरिएबिलिटी एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है यहाँ पे जब एक जो कस्टमर है वो परचेज कर लेता है कोई भी सामान को तो वो कंफर्ट फील नहीं करता है। अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विद द परचेज, गेटिंग एंग्री विद द फर्म, अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि उसको अनकंफर्टेबल जो अनसर्टेनिटी,